मेरा यह मानना है कि यह संविधान का लक्ष्य रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी लिखा हुआ है। आप लोग सामान्यतया हम लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं मंगलवार या शनिवार को, उत्तरकांड नहीं पढ़ते। आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए, पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते, उत्तरकांड पढ़िए। पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 25 तक पढ़िए। बस केवल ये 5 श्लोक के बीच में जितनी चौपाइयां आ जाती हैं उतना पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ संविधान अभी कह रहा है करने के लिए, संविधान जिस लिए बना है, जिस लिए ये प्रधानमंत्री का पद इसमें बनाया गया, राष्ट्रपति का पद बनाया गया, गवर्नर बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए, सांसद बनाए गए, विधायक बनाए गए, फिर आईएएस आईपीएस जजेस बनाए गए, वो जिस लिए बनाए गए हैं वो सब रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। जैसे संविधान में लिखा है प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, रामचरितमानस में चौपाई है सब नर करहिं परस्पर प्रीति चलहिं स्वधर्म निरत सृतनीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं और सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। सवाल यह है, रामचरितमानस भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करनी चाहिए, संविधान भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करना चाहिए, और सब लोग परस्पर प्रीति करने इसी के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इतने सारे पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं, सबका लक्ष्य है ये भारत में यूनिटी इंटीग्रिटी नेशनल इंटीग्रेशन इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी स्थापित हो, तो हो क्यों नहीं रहा? इसका एक बहुत बड़ा कारण तो मुझे लगता है कि जहां इस संविधान पे चर्चा होनी चाहिए थी, कहां होनी चाहिए थी, संसद में, उस संसद में ही वास्तु दोष था। हां, उस संसद में ही वास्तु दोष था। उदाहरण के लिए इस संविधान में एक शब्द आया 75 में सेकुलर, उसको आपने खूब सुना होगा, सेकुलर सेकुलर खूब सुना है ना आपने, आपने कभी सोवरिन शब्द सुना क्या? संविधान के प्रीएम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। कैसा भारत बनाएंगे? सोवरिन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी की शिक्षा होगी, न गुलामी की चिकित्सा होगी, न गुलामी की कर व्यवस्था होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्याय व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, सब कुछ भारत का होगा, इसको कहते हैं सोवरिन। उसमें चर्चा ही नहीं हुई। और कुछ वर्ष पहले मुझे एक बार संसद में जाने का अवसर मिला, टिकट लेके, एज ए सांसद नहीं, तो टिकट लेके मैं गया। एक घंटे मैंने वहां पे एज ए दर्शक दीर्घा में बैठ के देखा तो मुझे लगा इस संसद में ये तो पूरा पूरा वास्तु दोष है। स्पीकर को बैठना चाहिए पूर्व होकर के। हमारे घर में जो घर का मुखिया होता है ड्राइंग रूम में, उसका मुखिया किधर मुंह करके बैठता है? या तो पूरब या तो उत्तर, यही ना। ये बात कॉमन, ये कॉमन में नहीं जाता, आम आदमी भी जानता है इसको। हमारे संसद में लोकसभा स्पीकर पश्चिम मुंह करके बैठते हैं, डूबते सूरज की तरफ। सवाल किसको पूछना है? विपक्ष को। उत्तर किसको देना है? सत्ता को। सत्ता पक्ष दक्षिण मुंह करके बैठता था, विपक्ष उत्तर मुंह करके बैठता था। इतना बड़ा वास्तु दोष और ऊपर से गोल गोल, पूरी संसद गोल। इसका नतीजा रहा हम पिछले 75 साल गोल गोल घूमते रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जो नई संसद बनी है पूरी तरीके से वास्तु परफेक्ट बनी है। अब लोकसभा स्पीकर का मुंह पूरब की तरफ होगा, सत्ता पक्ष की जिसको उत्तर देना है उसका मुंह उत्तर रहेगा, विपक्ष जिसको सवाल पूछना है उसका मुंह दक्षिण रहेगा। एक वास्तु परफेक्ट संसद बनी है और उसका नतीजा देखिए, संसद बनी हुई और एक कानून सबसे जबरदस्त पास हो गया, 33% महिलाओं को आरक्षण। रिजल्ट सामने है आपके, काम शुरू।
नई संसद में नया कानून, और पहला कानून वो भी जबरदस्त कानून जो पिछले 20 साल से तूतू मैं चक्कर में अटका हुआ था, पास हो गया। अब हमें पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में संसद में संविधान के लक्ष्य पे भी चर्चा होगी। मैं पहले इंजीनियर था, वकील तो बाद में बना, और इंजीनियर था तो मैं मारुति में था जहां कार बनती है, वो जा पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी।